नमस्कार। आज मैं बनाऊंगी सूखे आलू की सब्जी। इसके लिए मैंने ये आलू छील कर काट लिए हैं, इनको अच्छे से वॉश कर लिया है। दो टमाटर ग्राइंड कर लिए हैं, एक प्याज काट ली है और टमाटर के साथ तीन चार लहसुन की कलियों को भी ग्राइंड कर लिया है और दो हरी मिर्च। ये मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा था, इसमें आधा चम्मच नमक डाला है। अब इसमें ये जो आलू हैं पीसे आलू के, इनको डाल देना है और इनको 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल करना है। ये मैंने आलू को 4 से 5 मिनट के लिए उबाल लिया है और इनका पानी है वो निकाल दिया है। अब कढ़ाई में मैंने एक बड़ा चम्मच ऑयल डाला है। अब इसके अंदर डाला है जीरा, 2 लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच की नमक डाला है। नमक बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेना है। आधा चम्मच डाला है आमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा गरम मसाला, 1/4 भुन चुकी है और अब मैं इसमें डाल दूँ टमाटर का पेस्ट। इसमें मैंने टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च तीनों चीज़ों को ग्राइंड किया था। अब इसको अच्छे से पकने देने हैं। यहाँ पर मैंने तवा गरम किया है और तवे पर मैंने कंसूरी मेथी को थोड़ा सेक लिया है ताकि इसकी खुशबू है वो और ज़्यादा अच्छी आए। इसके अंदर डाला है मैंने 1/2 गिलास पानी, ग्रेवी। टमाटर और प्याज अच्छे से पक चुके थे, इसके अंदर मैंने 1/2 गिलास पानी डाल दिया है और अब डाल दिए हैं आलू। इनको अच्छे से ग्रेवी के अंदर मिक्स कर लेते हैं। और पकने देना है। ये आलूओं ने सारी जो ग्रेवी है उसको सोख लिया है और ये बिल्कुल ही सूखे हो गए हैं। अब यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा सूखा धनिया, हल्का सा ग्राइंड कर लिया है इसको, और कंसूरी मेथी, इसको अच्छे से मिक्स करना है। और ये हमारी सब्जी है वो बनकर तैयार है। आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं या चावल वगैरह के साथ भी खा सकते हैं। मैंने बिल्कुल इजी तरीका बताया है जिससे आप झटपट ही सूखे आलू की सब्जी बना सकते हैं। ये बच्चों और बड़ों सबको बहुत पसंद आती है। अब लास्ट में इसमें मैं थोड़ा सा ओरिगेनो डाल रही हूँ, इससे इसका टेस्ट है बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी। थैंक यू।